ऑयल पंप की फिटिंग चालू है, तो इसकी प्रॉब्लम ऑयल पंप बराबर वर्क नहीं कर रहा था, तो रोलर चेंज किया है। उस साइड का जो टाइमिंग चेंज से अटैच रहता ना जो रोलर, उसका वाला गियर रोलर, तो ये वाला तो चेंज किया रहा। ये गया था, ये टाइमिंग चेन घुमाती है रोलर को, तो इससे वो ऑयल पंप वर्क करता है। ये वाला ऑयल पंप वो रोलर से इसको घुमाता है अंदर से, तो ये पूरे इंजन को यानी हेड को और क्रैंकशाफ्ट को अंदर जो भी है ऑयल इधर पूरा सप्लाई करता है। तो ये वाला जो है ये लॉक है इसका वाला, वो क्या बोलते है गियर को उधर से जो ये आती फिक्स रहता, फिक्स रहता ये फिक्स करता टाइमिंग गियर। टाइमिंग ये शॉपनर को तो ऑयल इधर से आता है, ये साइड से ये वाले होल से, ये वाले जो ये दिख रहा है ना इधर से, ये अपना ऑयल पंप का सेटअप। और इधर को जाता ये गियर ऑयल को घुमाते हैं, ये एक और ये दूसरा। इसकी वजह से ना पूरा इंजन बैठ जाता है, जैसे कि इंजन हीटिंग प्रॉब्लम या फिर क्रैंक से किट 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 की आवाज़। अगर ये इसका मेन इसको ऑयल पंप को चलाता है इधर का गियर, ये वाला गियर अगर ये गया इस तरह से ज़्यादा तो गाड़ियों में चले जाते हैं और टाइमिंग यानी इसको ऑयल पंप को नहीं घुमाते, ये टाइमिंग चेन जो रहती है तो इसको ना घुमाती है टाइमिंग चेन, तो वाल ऑपरेट करती है इसका वाला ऑयल पंप का इंजन का। हाँ ये वाला गया था, तो इसकी वजह से जैसे गाड़ी हीटअप आ रही थी ये वाली ज़्यादा और क्रैंक भी आवाज़ करी, तो इसके ऊपर से जो टाइमिंग चेन है ये वाली टाइमिंग चेन है पुरानी वाली, ये डैमेज हो चुकी है पूरी यानी घिस चुकी है इसकी वजह से। ये वाला जो गियर है इसके ऊपर से ही चल रही थी यानी स्लिप हो रही थी, तो चेंज करनी पड़ रही, जैसे कि गाड़ी की आवाज ज्यादा कर रही थी, भन बना रही थी गाड़ी, और ऑयल ना सप्लाई होने की वजह से ज्यादा इंजन गर्म आ रहा था, और जैसे गाड़ी बीच बीच में बंद पड़ गिर जा रही थी, तो ये प्रॉब्लम दिखी और खोली गाड़ी और प्रॉब्लम दिखी हम लोगों को। तो ये गाड़ी का ये जो है ऑयल पंप भी फिट हो चुका है अभी पूरी तरह से, अभी देखते हैं बाकी का जो स्पेयर पार्ट है, तो देखते हैं पूरा फिट करने के बाद क्या रिजल्ट आता है गाड़ी का। तो टाइमिंग चेन वैसे तो फिट करने की बाकी है, इंजन आवाज करता है कि नहीं करता आपको दिखाते हैं पूरा ऑयल पंप फिट कंप्लीट। अगर आप अपने पैसों से घरगुती गाड़ी अगर बना रहे घर में ही, तो डीजल से कोई भी स्पेयर पार्ट ये क्या साफ सफाई करना चाहिए यानी क्लीन करना चाहिए, तो उससे जो ये रहता क्या बोलती इसका डस्ट, ये वाला पीस स्क्रैप मटेरियल, तो ये पूरा इंजन के जो बेरिंग रहते या फिर पार्ट उससे निकलता है झींच के, तो ये दूसरे पार्ट को खराब करते है। तो हो सकता है जितना हो सके उतना अपने इंजन खोलने के बाद अपने मैकेनिक को बताए कि इंजन डीजल से या फिर पोंछ के तो भी फिट करे। ज्यादातर मैकेनिक भाई इंजन को बिना साफ सुफ किए ही फिट कर देते हैं, तो इसकी वजह से इंजन अगर अच्छा भी बना है तो भी ये स्क्रैप जो मटेरियल रहता है बारीक वाला, तो ये खराब कर देता है इंजन को फिर से। वॉशर की बात मत नहीं, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में नट
लॉक करने के लिए, ये वाला लॉक करने के लिए हमेशा एक गियर रखें इंजन में, ये वाला जिस तरह से डाला है ये वाला एक्स्ट्रा में, यानी इंजन लॉक हो जाता है अपना। ये जो फ्लाई व्हील है और ये क्लच प्लेट है, इसको लॉक करके यानी टाइट करने के लिए वॉश कर। वो वाला जो गियर ऊपर रखा था तो वो एंटी क्लॉक वाइज यानी टाइट नहीं हो रहा था नट, तो हम लोगों को इधर नीचे से लगाना पड़ रहा है, दिख रहा होगा आपको, दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जो उंगल से मैंने दबा कर रखा है एक्स्ट्रा वो तेसा वाला, तो ये फ्लाई व्हील टाइट करने के लिए नीचे से लगाना पड़ा। तो हमारा ये फ्लाई व्हील टाइट हो चुका है। कोई कोई मिस्त्री क्या करते हैं, धन हथौड़े से टॉक टॉक करके उससे इंजन खराब हो जाता है, पार्ट डैमेज हो जाते हैं। अच्छा प्रकार इस प्रकार काम हो गया है, पूरा इंजन इधर साइड का कंप्लीट हो चुका है और फिटिंग चालू हो गई।